गौतम बुद्ध नगर में सरकारी स्कूलों को संजीवनी देने और आधुनिक शिक्षा के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड व DLF चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जिला प्रशासन ने AMU पर दस्तखत किए। इस करार के तहत कंपनियों ने विसरख ब्लॉक क्षेत्र के 27 स्कूलों को गोद लिया है। अब इन स्कूलों में कंपनी भवन, सैनिटेशन और शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करेंगी। जिले के सभी 685 स्कूलों तक इस कार्यक्रम को पहुँचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 27 स्थित DM के कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड व DLF चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जिला प्रशासन ने MU पर दस्तखत किए। इस करार के तहत इन कंपनियों ने विसरख ब्लॉक क्षेत्र के 27 स्कूलों को गोद लिया है। अब इन स्कूलों में कंपनी भवन, सैनिटेशन और शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करेंगी। इस अवसर पर मौजूद नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। पंकज सिंह ने कहा कि नोएडा UP का परसेप्शन देश और दुनिया में बनाता है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि नोएडा का परिदृश्य प्रदेश के दूसरे शहरों के मुकाबले अलग है। यहां निजी और कॉरपोरेट कंपनियों की भरमार है। पहले भी कई कंपनियों ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत कई स्कूलों को अडॉप्ट किया है। उनकी मंशा है कि इस क्षेत्र में ऐसा काम हो जिसे देखकर दूसरे भी लोग उत्साहित हो और जिले में सरकारी स्कूल मॉडल के तौर पर अपना प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र में कोई एक या अनेक कंपनियां आती है तो उनका स्वागत करने को तत्पर है। आज के कार्यक्रम में पावर ग्रिड और DLF ने 26 और 20 प्राइमरी स्कूलों को अडॉप्ट किया है और ये उस कार्यक्रम का हिस्सा है जिसमें कि हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लेके और प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में ऐसे बहुत सी संभावनाएं हैं जिनको कि हम तलाश रहे हैं और आज एक उसमें अग्रिम कदम जो है अडॉप्ट किया गया है। बहुत जल्दी विसरख ब्लॉक को हमें लगता है हम सैचुरेट कर लेंगे। अन्य ब्लॉकों में भी एफर्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे भी स्कूल अडॉप्ट किए जा रहे हैं जैसे NTPC ने किया है और हमारा विचार रहेगा कि अगले वर्ष हम जिले के सभी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर की मदद से उसमें इम्प्रूवमेंट करें। देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थानों के द्वारा कहीं पर डिटॉल के द्वारा जैसे 70 स्कूलों में हाइजीन और सैनिटेशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें बच्चों को ही करिकुलम लॉन्च किया गया है। उसी तरीके से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से, DLF की तरफ से, सुप्रोज की तरफ से, ऐसे विद्यालयों को लेकर HCL की तरफ से जिसमें कि स्मार्ट क्लास बनाने से लेकर वहाँ उसको पूरी तरीके से परिवर्तित करना यह कोशिश हो रही है। कुछ टारगेट रखा गया है कि कब तक सब पूरे जिले के सभी स्कूल हो जाएंगे? देखिए मैं जिले पर भी काम हो रहा है, मैंने तो अभी चर्चा की थी और नोएडा को लेकर अभी हमने ये शुरू किया था, लेकिन इसको जिले तक भी लेकर जाना है और जिले में भी इस पर लेकर हमारे जिलाधिकारी महोदय उन्होंने भी इस पर प्रयास प्रारंभ किए हैं और सच में यह बहुत ही सराहनीय काम मैं कह सकता हूँ कि जिला प्रशासन की तरफ से, जिलाधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से भी हुआ है।